नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में दो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो मतदाता हैं उनके मन में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में मतदान करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। मिस्त्री साहब कैसे हो? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? धनेड़े के, मुबारकपुर मेरा। कौन सी लोकसभा है आपकी? बिना नगिना, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, लोकसभा नगिना। लोकसभा नगिना जी जी। चुनाव का क्या चल रहा है माहौल? चुनाव का तो बस ऐसे चल रहा। ऐसे कैसे? अरे बात कर लो हमसे, काम तो कर ही रहे हो आप, बात भी कर लो थोड़ी बहुत। ठेकेदार भी तो है, तो सबसे ही करेंगे बात। क्या विचार बना रखा है इस बार? वो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के साथ पूरन सिंह। काम सही चल रहा? बढ़िया बिल्कुल। चुनाव कैसा चल रहा? चुनाव सही चल रहा। किसका चल रहा? देखो जी, हम तो बसपा को वोट देने वाले आदमी। अच्छा जी, हत्ती के साथ हो जी? कौन है कैंडिडेट आपका? मायावती। मायावती नहीं, यहाँ से चुनाव कौन? यहाँ से चुनाव तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर का तो निशान केतली है। हाँ, केतली है। तो केतली के साथ हो या हत्ती के? हत्ती के साथ। हत्ती के साथ जी। हत्ती से सुरेंद्र पाल सिंह है, अगर आपको जी हम पता है, जानकारी है जी। हम बसपा के आदमी। बसपा के आदमी जी। उन्हीं के साथ रहो? उन्हीं के साथ। हारे जीते कोई कुछ भी हो, इस चीज़ से मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन पार्टी हमारी बसपा, जो अपनी पार्टी आए हैं, मतलब शुरू से ही जिसको मानते हुए आ रहे हैं उसी के साथ। शुरू से ही उसके साथ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मिस्त्री साहब जी, कैसे हो? बढ़िया। काम बढ़िया चल रहा जी? जी बढ़िया। चुनाव कैसा चल रहा? नहीं चल रहा, ऊपर वाला बढ़िया चला होगा। किसके साथ हो जी? किधर हो? जहाँ जिधर आपको हो इधर ही हो जाना साहब। अब हमारा तो काम लोगों को दिखाने का, चैनल का काम है हमारा। वैसे तो चंद्रशेखर की मतलब वो चली, चंद्रशेखर की जी उठाना हमारे यहाँ भी। अच्छा जी हाँ। किसकी साथ दिख रही लड़ाई है? जीतता हुआ कौन दिख रहा? वो तो सामने भाई कैंडिडेट। तो आप चंद्रशेखर के साथ? बिल्कुल, बनेड़ा हमारा पूरा। अच्छा जी हाँ, बनेड़े के रहने वाले हैं। अच्छा जी, पूरा गाँव मतलब जी? बिल्कुल ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम? मोहन। मोहन जी क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, मैं घर पर रहता हूँ। वोट डालते हो जी? इधर कहाँ जा रहे हो वोट डालने? मैं हम यहाँ डालेंगे गांव में। कैंडिडेट कौन सा है? कौन सा, कौन सी पार्टी को वोट करोगे? हम बहन जी को कह रहे हैं। बहन जी को जी? हाथी पर मोहर दबाओगे जी? बटन दबाओगे जी? क्यों, ऐसा क्यों? बस अपनी मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ। क्या क्या मजबूरी? अब हम, हमारी बहन जी शुरू से आगे तक इतना कर दिया। अच्छा, तो उन्हीं के साथ हो मतलब आप? ठीक है जी, ठीक है। मेरा नाम है जी। अच्छा, तो चिनाई का काम करते हैं आप? हाँ। राजमिस्त्री हो आप? मगर इंटे छंटवारी आओ ठेकेदार। अच्छा अच्छा अच्छा, चुनाव में क्या विचार बना रखा? ठेकेदार का नाम है मुजफ्फर। अच्छा। हनीफ हाजी का लड़का। अच्छा। किछोड़ा। अच्छा। और मैं हूँ भेजड़े का सब्बीर। मेरे वलजत सब्बीर अहमद, मेरा नाम इद्दी। अच्छा, तो ये तो बताओ चुनाव में क्या सोच रखा है इस बार? चुनाव चुनाव चल रहे हैं जैसे, वोट किसे दोगे? मैं इतने दिन पैदा हुआ था इद्दी नाम मेरा। वोट किसे दोगे? वोट वोट हाँ जिसे आप क्या हो? हम तो किसी को नहीं कह रहे, हम आपका मन है वो तो आपका। मैं दे रहा फूल को या साइकिल को? फूल को या साइकिल को? हाँ, तो दो वोट थोड़ा ही डाल सको, एक ही तो डाल लोगे? नहीं नहीं, जब उसका वो साइकिल को दिया था पीछे, आप तुम जिसे कहा उसे दूंगा। नहीं वो तो आपका मन है, हम नहीं, तो किसी को मेरा मन नहीं जी, देखो जी। अच्छा, आप बता दो मुझे उस पर ना दिया अपना नाम लिख के। हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा जी, आपका वोट है अपना, जहाँ आपका मन है वहाँ डाल लोगे? पीछे बाबू जी मैंने दिया था साइकिल को। हाँ, तो आपकी बार क्या सोच रहे हो? आपकी बार में आप जिसे मोदी साहब कहेंगे। अच्छा, उसे दूंगा। मोदी साहब से पूछ कर तब डाल लोगे? यहाँ देखो मेरे नहीं, बिल्कुल चार बच्चे। अच्छा। मुझे आटा मिल गया, अनाज मिल गया। अच्छा। पैसे मिल रहे, मजदूरी 250 रुपये दे रहा, ये 400-500 रुपये दे रहा। अच्छा, नाच खाने को मिल जाओ कोट्टे पे से। नाम ब्रजवीर। दोपहर में आराम कर रहे हो? हाँ आराम ही कर रहे थे। अच्छा, या चुनाव का कुछ मसला चल रहा है? चुनाव का कोई मसला कोई ना आ रहे हैं तो भाई, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ लोकदल के हैं। अच्छा, हरिजन जो है ये रावण को चिपट रहा है आपको। अच्छा, आप किधर हो?
हम तो लोकदल पर ही हैं। लोकदल पर ही हैं। तो लोकदल कहाँ हाँ ना गिनने में? हाँ जी इसी बात में तो चक्कर खाना पड़ रहा है थोड़ा सा। अरे वो बीजेपी से लड़ रहा है जो नहीं सही नहीं ओम कुमार। ओम कुमार अच्छा। तो हमें तो साइकिल पे जाना पड़ा मजबूरी। साइकिल पर जाना पड़ेगा मनोज जज के साथ हो आप? हाँ हाँ। अच्छा आपका क्या नाम? भैया मोहित कुमार। तो क्या सोच रहे हो भैया? सोचना क्या था, अगर यहाँ से नगिन्ना विधानसभा से लोकदल का कोई भी कैंडिडेट होता तो जाहिर सी बात थी हमारा पूरा गांव लोकदल का रहा है। अधिकतर तो 10-20 वोट हैं बीजेपी के, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। मुश्किल से 50 ले जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। और यहाँ हमारी विधानसभा को जो मनोज पारा साहब हमारे विधायक, उनका आपसी विधानसभा में बहुत ही जो संबंध वाला होता है ना व्यक्तिगत वोट, हाँ वो वोट बहुत हो। अब उस चीज़ों को देखते हो तो देखो जी हमें जाना पड़ेगा अपने विधायक के साथ, ना तो कोई हमारी मुख्यमंत्री सुनो और ना सुनो हमारी प्रधानमंत्री। हम तो ज़्यादा अपने विधायक को पकड़ सकते हैं और विधायक के हमारे हमारे क्षेत्र नहीं नगिन्ना विधानसभा में अपने जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं ना वो वोट बहुत हो। और भाई वे लोगों का काम भी कराते ही हैं, अगर होती हैं RLD तो वोट जाते हैं हमारे लोकदल पर। वो है नहीं तो जी हम तो साइकिल की साथ। RLD का गठबंधन है बीजेपी के साथ? नहीं बीजेपी तो बेकार है, बीजेपी को तो देना ही नहीं, चाहे वो गठबंधन करके चाहे यहाँ से जयंत चौधरी लड़ते वो भी नहीं दे मत अगर गठबंधन साथ थे तो। अच्छा। हाँ गठबंधन से वो वोट ही नहीं देना हमें। तो आप जो हो अपने विधायक की वजह से जा रहे हो? हाँ विधायक की वजह से। हाँ मनोज पारा जो हमारे विधायक हैं नगिन्ना विधानसभा के, उनके अपने व्यक्तिगत बहुत संबंध है, बहुत बढ़िया संबंध है। क्या खासियत है आपकी? उनमें सभी तरीके की खासियत है। अभी कोई गरीब बच्चा भी है चला जाओ तो उनके हैं, किसी के ये नहीं कि ये गरीब बच्चा आ गया या किसी जाति धर्म का है, उनका किसी का कोई है मोद मतभेद नहीं है। जाओ उसकी पूछी जाएगी और कार्रवाई भी होगी और उसकी सुनवाई भी होगी। तो सबसे पहली बात तो उनके यहाँ सम्मान बहुत हो, कोई भी व्यक्ति चला जाओ जाओगे चाय पानी की आ तवज्जो भी और काम भी होगा। ये नहीं कि टाल दिया बड़ा है आदमी है क्या रहे हो गरीब था ऐसे छोड़ दो इसका काम नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं। सबकी सुनवाई करते हैं और जो भी बुलाता है उसके पास भी आते हैं। अब विकास भी होता है हमारे गाँव में भी विकास करा, जैसे जितने बेचारे तुरंत उन्होंने हमने कह मांगा विधायक जी थोड़ी सी गाँव में अंधेरा रहता है कुछ चानने की व्यवस्था करवाई जाओ, तो उन्होंने बेचारों ने तुरंत तक बताओ कितनी सोलर लाइट चाहिए तो 16 लाइट भी दिलवाई वो लगी हुई हैं। हाँ तो जिस काम को भी कहते हैं जैसे कोई सड़कें बनवाना या कुछ भी नाला बनवाया, बहुत से ऐसे काम हैं वे करते रहते हैं। तो अभी जैसा आप बता रहे हैं साइकिल के साथ हो आप, हाँ किसकी फाइट है यहाँ आपके लोग? यहाँ देखो जी दूसरे नंबर पर जो चलेगा वो रावण चलेगा। अच्छा। हाँ जो रावण की हो वैसे तो लगभग ये मान के चलो साइकिल क्लियर जाएगी कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। 2-2.5 लाख वोट हाँ तकड़ी जीत। अच्छा। हाँ सुंदर लाल शर्मा। क्या करते हैं शर्मा जी? मैं तो थोड़ा सा खेती करता हूँ थोड़ी सी मजदूरी जैसा। खेती अपनी थोड़ी बहुत और मजदूरी। तो क्या है इस टाइम विचार क्या बना रखा चुनाव का? चुनाव के बारे में? हाँ जी चुनाव के बारे में तो हमें जो भाजपा को हराएगा उसको देखना है, मतलब कहने का भाजपा को जो हराएगा उसको वोट करेंगे बिल्कुल। यही चल रहा है सर। तो ऐसा क्यों मतलब भाजपा से इतने खपा? भाजपा से कुछ महंगाई के मुद्दे हैं हिसाब से सबसे ज़्यादा बहुत सारे सब जनता जानती है आजकल। अच्छा महंगाई कुछ ज़्यादा कर दी है मतलब महंगाई है या बेरोजगारी या छुट्टा पशु ये सब जानते हैं लोग। अच्छा। इसीलिए जो भाजपा को रहेगा तो कौन हराता हुआ दिख रहा है भाजपा को यहाँ से? अब मैं तो वैसे तो हम लोकदल के आदमी हैं। अच्छा जी उसी को सपोर्ट करेंगे लोकदल के आदमी तो हरा दे रावण हरा दे नई पार्टी बनी है उसकी। अच्छा, अच्छा। उसके ही सपोर्ट करेंगे रावण। आपको दिखने लगा कि रावण जीत रहा तो आप उसके उसी को सपोर्ट करेंगे। तो अभी वो टाइम लगेगा आपको विचार बनाने? नहीं विचार भाजपा को तो देंगे ही नहीं, भाजपा को देना ही नहीं है चाहे किसी को भी किसी को भी उसको नहीं। ठीक है सर थैंक यू। क्या नाम आपका? सोहित कुमार। सोहित जी क्या करते हैं आप? मैं शुगर मिल में जॉब करता हूँ। अच्छा सेल्स इंचार्ज हूँ। खेती किसानी जी जी जी। तो इस बार क्या देख रहे हैं बदलाव देख रहे हैं? और राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा नगिन्ना से महासचिव हूँ। अच्छा और मेरा मानना तो यही है कि खैर जयंत जी ने जो भी फैसला लिया बहुत सोच समझ के लिया है उसके साथ हम सब। अच्छा और वोट भी हम राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में ही करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन हमारी जो एक विशेष मुद्दा है ये है कि ये जो ओम कुमार सिंह विधायक है ये याद में बहुत बेकार है। अच्छा कैंडिडेट सही नहीं? जी 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 शीर्ष नेतृत्व ने कैंडिडेट सही नहीं दिया है और ना ही क्षेत्र में वो कभी आए। अच्छा आज तक इलेक्शन का अभी डेट आ गई अभी तक भी यहाँ कोई दौरा नहीं करा कोई किसी से कार्यकर्ता से नहीं मिले। और दूसरी चीज़ एक और है ये आज में जब जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उसे वोट कैसे पाएगा? किसी और पार्टी के प्रत्याशी पहुँचे यहाँ?
हाँ समाजवादी के प्रत्याशी भी आ रहे हैं, रमन भी आया था एक दिन। अच्छा। और तुम्हारे बीएसपी वाले भी आए थे। अच्छा। सब आ रहे हैं वो यहाँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने कर रखा है ठेका दलाल लो तो ठेकेदारों तो। अच्छा। तो वे ठेकेदारों से ही वोट ले लें फिर। तो फिर आप भी साथ नहीं हो? नहीं हमारी तो, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का सच्चा सिपाही हूँ, मुझे तो वोट गिर नहीं गिरना है, मैं तो जहाँ जय तो वहाँ मैं तो वोट गिरूँगा ही गिरूँगा। लेकिन उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जनता के बीच में रहो ना कि दलालों के से बात करो, जनता के बीच में जाओ वोट पाओगे। जैन जी का बहुत बड़ा जनाधार अपनी विधानसभा में भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम जनता के बीच में जाओगे तभी तो वोट पाओगे। तो क्या दिख रहा है फिर यहाँ, हारती हुई दिख रही सीट ये या नहीं? लगभग फाइट में है। अच्छा। 55-60 का फर्क रहेगा, चाहे बीजेपी जीते या साइकिल जीते, इन दोनों की है, इन दोनों की टक्कर रहेगी, रामन टक्कर में नहीं है। अच्छा। राम राम जी। तेरे बेटे जमान दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दयावती। पहले प्रधान भी रही हो? हाँ, अब रही के 13 दिन होगा, 200 साल। 200 साल पहले प्रधान थी आप। तो चुनाव चल रहा है अब, जा चुनाव में क्या सोच रही हो? लोकसभा के चुनाव हो? क्या सोच रही भैया, वोट ही देना। किसे देना? अब वो तो टाइम बतावागा, मैं नाम किसका लूँ? मैं कोई सी पार्टी तो होगी किसी पार्टी को तो मानते होंगे या नहीं? बस अभी ना कहती भाई, देख जैसे घर वाले चलेंगे ऐसी करूंगी। घर वाले क्या कह रहे हैं? जोन सी बात है, कुछ तो कह रहे होंगे घर वाले। अभी तो ना कह रहे भैया, देख जोन सी। चुनाव का टाइम तो नजदीक आ गया, 19 तारीख में वोट आ जान दे। आ जान दे बेटे, अभी कोई मशवरा ना करा? अभी नहीं करा। कुछ मुद्दे भी हैं आपके, ऐसी वोट डाली होगी जैसे घर वाले कह देंगे ना? हाँ चलो भाई डाल ही दूंगी, जब जिस टाइम जब डालेगा है नी भाई। अच्छा, वोट डालोगी? जरूर डालना भी चाहिए वोट। हाँ डाल देंगे भैया। आप क्या कह रहे हैं? मेरा कविता। वोट डालने करो? हाँ डाल लो वोट। अच्छा, तो किसका माहौल दिख रहा है? जा घर वाले कहेंगे फिर डाल देंगे। आप भी उनकी देखा देख लगी है? और बता देखा देख क्या? अपने मन से बताओ आप। डाल ही देंगे। अच्छा, तो मतलब कहाँ जा रहे हो आप, कौन सी पार्टी को चूज कर रहे हैं? पर डाल ही देंगे, टाइम पर जो डलेगा। अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया। कितनी उम्र हो गई? 81 साल। 81 साल के हो गए? हाँ। कोई बीमारी तो नहीं है? कुछ नहीं। मस्त हो? मजे में हो? मस्त तो ना होता, जब मूड खराब हो तो इतना हो जा और दूसरे को मार दे, अपने आप मर जा। तो मूड कैसे खराब हो जा? गुस्सा बहुत हो। अच्छा। हाँ पहले से ही है या अब बढ़ गया? अब बढ़ा कुछ याद करो, बुढ़ापे में बढ़ गया। हाँ। अच्छा अच्छा। कभी कभी वो भी आ जा, हनुमान सिद्धि। हनुमान सिद्धि भी? हाँ, एक आदमी अटकुई। अच्छा। हाँ तो चुनाव चल रहे हैं, वोट डालने जाए करो ना। हाँ, चुनाव में। हाँ किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? अभी मुझे पता ही नहीं कुछ। अच्छा। मैं खाट पर उठ कर अभी यहाँ बिस्तर बिस्तर बिछा पड़ा। अच्छा। हाँ अभी पता नहीं आपको? अभी पता नहीं, 21-22 वोट मारे यहाँ। अच्छा। हाँ किसी 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 पार्टी को मानते हो या ऐसी कैंडिडेट जो अच्छा सा दिखाई दे ऐसा कर दो? बस वो प्रधानी का हिसाब में जो अपने हिसाब का हो ना। प्रधानी नहीं है तो लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री जो वहाँ काम कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ बनाया विचार? अभी कुछ विचार नहीं बनाया, विचार बनाओगे। अच्छा। जहाँ को जाएंगे इकट्ठे जाएंगे वोट। आपका क्या नाम है जी? सोमदत्त। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हमारा तो भैया माहौल जब यादव आदि बनाया, जब ही बनेगा तो पहले कुछ नहीं सोचा। जिधर को चल रही अपनी पब्लिक उधर को चलना पड़ेगा साथ ही। तो भी पब्लिक का मूड दिखाई ना दे रहा कुछ? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपका क्या नाम है जी? जयपुर का। अब जो एक बात उन्होंने बोल दी, अब चारों तुम यही बात बोलने लगे, कुछ तो हो गया आपके मन में। साथ तो बोलना क्या हुआ? जब सहरे साथ रहेंगे तो बोलना क्या है? कुछ तो मूड बनाया होगा या नहीं? मूड बनेगा, वोट गेट तो हाथों हाथ पहले ही मशवरा करना फिट। ये तो भैया हाँ। तो बड़ा आदमी हाँ। हमारे बड़े ये। अच्छा, हाँ। जैसे ये कह देंगे वैसे कहेंगे भाई मेरे पीछे चलो चलो भाई हम चलो पीछे चल रहे हैं। तो आपका भी मूड ऐसा ही है जी? ऐसे ही है जी। जैसे अभी मूड बनाओगे? अभी बनाया ना? अभी ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। तो आराम फरमा रहे हो दोपहर में? हाँ जी आराम फरमा रहे हैं। क्या खेती किसानी करते हो क्या? हाँ जी हाँ। चुनाव चल रहा है इस टाइम, कैसी है सरगर्मी? चुनाव की तो ऐसी ठीक चल रही है। किसकी चल रही है? बस ये तो सभी पार्टी आ रही हैं और ना सभी पार्टी तो आ रही हैं। आपका क्या मूड है? इन मत देखो, जो आपके मन में है वो बताओ। तो हम तो साहब पहले से बीजेपी आदमी। अच्छा, बीजेपी के साथ ही रहोगे? हाँ पहले से ही रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग। तो क्या सोच रहे हो?
हम लोक दल का आदमी। गठबंधन को वोट दें, बीजेपी से जैसे गठबंधन हुआ हाँ सपोर्ट करेंगे। आप क्या क्या नाम है जी? बचनू। बचनू ये नाम बहुत पुराने हैं। हाँ पुराना का कोई मिल लगा ना ऐसा। हाँ वही तो आज के टाइम में नहीं रखते ऐसे नाम या नहीं। हाँ या रखते हैं ऐसे नाम दिखाई देते हैं। आपके नाम का व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। अब तो वही रखो सकीला फैलाना। तो पूरा पूरा नाम क्या है आपका? बचन सिंह। बचन सिंह। अच्छा क्या करते हैं? खेती किसानी? खेती। खेती। तो चुनाव में क्या सोच रहे हैं? साइकिल पर जाएगा वोट। साइकिल पे पहले से साइकिल पर थे या इस बार ही मूड चेंज करा? आपको ही करा। आपको क्यों कर दिया? आपको नो कर दिया अपनी मर्जी। अच्छा अपनी वोट अपनी मर्जी का हो ना? वोट बिल्कुल आपकी हा? सही बात है, मर्जी का होता है। वोट हो अपनी मर्जी का। पहले कहाँ थे आप है? इस चुनाव से पहले लोकदल में। लोकदल पर थे। अच्छा तो लोकदल को छोड़ने का कोई कारण? लोकदल को ना उसे नहीं छोड़ने का। लोकदल को नहीं छोड़ने के। तो साइकिल पर जा रहे हैं आप तो छोड़ के ही तो जा रहे हो लोकदल को। लोकदल का तो जब जगबंधन उनके बने बैठे हैं। अच्छा हाँ नहीं तो हम तो वो खड़ा होगा तो उसे देंगे अभी। अच्छा हाँ मतलब गठबंधन को नहीं देने के। हाँ जो गठबंधन क्या ना हुआ? ना साइकिल को देख भागा मैं। आप भी ना जी ना, ना। मैं तो साइकिल का आदमी साहब। साइकिल के साथ हो? हाँ साइकिल के। लोकदल का कैंडिडेट होता है लोकदल को देते हैं। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। क्या करते हैं सचिन जी? अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती में कुछ परेशानी है? परेशानी भी कुछ ना, परेशानी भी सारी है। परेशानी बताओ। परेशानी यह है कि मैं एक तो हाँ डंगर जानवर बहुत घूम रहे हैं खेतों में जो है, और जो है वैसे तो कोई दिक्कत है ही ना। फसलों के दाम सही मिल रहे हैं? जितनी लागत लग रही फसलों के तो यहाँ गन्ना पैदा होता है। गन्ना गेहूँ? हाँ गेहूँ तो खाने के लिए करते हैं भाई। अगर आप गन्ना भी बो रहे हो तो डीजल लाओगे, जुताई करोगे जमीन की, खाद भी डालोगे, बीज भी लाओगे, बिल्कुल दवाई भी पड़ेगी। दवाई भी पड़ेगी। महंगाई है या सही है? महंगाई है फसलों के हिसाब से। हाँ महंगाई है। महंगाई है। महंगाई है। तो कौन सा सरकार चुनना चाह रहे हैं आप? बदलाव देख रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन जो है गन्ने का रेट भी तो बढ़ना चाहिए जिस हिसाब से और चीजों का रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा तो हमारे जो है फसल के दाम भी तो बढ़ने चाहिए। कितने बढ़ने चाहिए? कम से कम जो खर्चा रहा है मिनिमम 500 रुपया क्विंटल तो गन्ना होना चाहिए। अच्छा इस बार क्या ना रहा? 400 के पार। 400 मेल का तो वही रहा 370 सीट यू हो 400 पार बोला जा रहा है लोकसभा की। क्या होता है तो जयंत जी आए थे उस दिन चांदपुर में बोल कर गए कि गन्ना भी इस बार 400 के पार। हाँ बिल्कुल जयंत जी के साथ तो हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए थे। अच्छा हम लोग तो आज भी जुड़े हुए हैं, जहाँ जयंत जी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। मतलब आप RLD के साथ हो न कि बीजेपी के साथ? RLD के साथ। RLD के साथ जी। तो इस सीट पर क्या दिखाई दे रहा है? कार्यकाल जो बीजेपी का भी ठीक है, अच्छा है। क्या दिखाई नहीं है सीट पर? क्या दिखाई दे रहा है? अपराध तो खैर कम हुए। हाँ बिल्कुल सारे कम हुए, कोई गैंगस्टर नहीं, कोई गैंगवार नहीं जी, चोरी ढोरी भी कम, बिल्कुल कुछ नहीं। तो यहाँ क्या है सीट पर आपकी? किसकी बस दोनों की, ओम कुमार जी की और इनकी समाजवादी की। साइकिल और फूल? फूल दोनों की फाइट है। आगे कौन है? आगे तो हमारे ओम कुमार जी हैं, जब हमारे जैन जी हैं उनके साथ। अच्छा वहाँ तो बढ़िया, कोई दिक्कत ना। किधर हो आप? चंद्रशेखर साथ है। चंद्रशेखर के साथ हो। पैरों में क्या दिक्कत है? क्या कुछ दिक्कत? हाँ परेशान नहीं होता। परेशानी बचपन से ही है या हुई थी बाद में? बाद में होगी। बाद में होगी। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। सचिन जी क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव में हमारे यहाँ तो बस सही चल रहा है। किसका चल रहा है? हमारा तो ये वही चंद्रशेखर का चल रहा है जी। चंद्रशेखर के साथ हो जी। क्या खासियत देख रहे हैं चंद्रशेखर में? बस खासियत क्या है जी, अब सभी के मतलब जैसा बन रहा है माहौल उस हिसाब से हम भी। अच्छा और अपना मतलब भीम आर्मी वाले हैं। अच्छा हम भीम आर्मी वाले हैं। भीम आर्मी वाले हो जी, तो इस वजह से उनके साथ? उन्हीं के साथ है जी। किसी के साथ उनकी फाइट दिखाई दे रही है नगिन्ना लोकसभा को? ऐसा तो कुछ नहीं जी। क्लियर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ जैसा, मतलब के चल जा सभा हो। अच्छा भीड़ भाव मतलब के बोलबाला चल जाए तो हिसाब से दिखाई दे रहा है। उम्मीद है, उम्मीद है जी।